नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत की बात। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। दिल्ली में आज के नतीजों ने जमी जमाई सियासत के कई कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। सत्ता के खिलाफ बने माहौल की जबरदस्त लहर काफी हद तक वैसी ही दिखी जैसी 70 के दशक में जेपी आंदोलन के वक्त दिखी थी। हालांकि उस दौर और इस दौर में खासा फर्क है, क्योंकि वहां मुकाबला था लंबे वक्त से शासन कर रही कांग्रेस के खिलाफ, जबकि यहां मुकाबला महज 9 महीने पहले सत्ता में आई बीजेपी के खिलाफ था। आज सियासत की बात में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की जीत के जरिए केजरीवाल ने जेपी के आंदोलन से भी बड़ी लकीर खींच दी है। दिल्ली में सियासी तौर पर जो कुछ हुआ है उसने एक बार फिर उस दौर की याद ताजा कर दी है, जब जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इरादों वाली प्रधानमंत्री को भी बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अब मैदान दिल्ली का जरूर है, लेकिन केजरीवाल के जरिए 70 के दशक की वही तस्वीर दिखी है, वही एकजुटता दिखी है, लेकिन नतीजा उससे कई गुना बढ़कर सामने आया है। '74 से 2015 के बीच में 4 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो सवाल 4 दशक पहले थे वो अभी भी हैं। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे। 4 दशक पहले इन्हीं मुद्दों को लेकर संपूर्ण क्रांति हुई थी, अब 4 दशक बाद भी मुद्दे वही हैं। बदला है तो आंदोलन का तरीका, राजनीतिक प्रयोग का अंदाज और जनादेश का स्वरूप। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो अलख जगाई है, 4 दशक पहले ऐसी ही अलख जयप्रकाश नारायण ने जगाई थी, लेकिन तब में और अब में बड़ा फर्क है, क्योंकि तब कांग्रेस के लंबे शासन के खिलाफ जनता ने एकजुट होकर संपूर्ण क्रांति का नारा देश भर में बुलंद कर दिया था। पटना के गांधी मैदान से शुरू हुए आंदोलन ने जनमानस को भीतर तक झकझोरा था। नतीजा ये कि देश की सत्ता हिल गई। आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी तक को डर के चलते इमरजेंसी जैसा फैसला लेना पड़ा था। जब भी कोई इतिहास रचा जाता है तो यकीनन उसकी तुलना होती है। ऐसे में जेपी आंदोलन और केजरीवाल के आंदोलन का डीएनए क्या है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल दोनों के आंदोलन की बुनियाद लगभग एक सी है, फर्क है तो वक्त और तरीके का। और इस फर्क को समझने पर केजरीवाल की मुहिम जेपी के आंदोलन से कहीं बड़ी नजर आती है, कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा प्रभावी नजर आती है, क्योंकि केजरीवाल ने उस सत्ता तंत्र के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाबी पाई है जिसका अब तक का कार्यकाल महज 8-9 महीने का है, और जिसने भी सत्ता उसी अंदाज में पाई है जिस अंदाज में अब केजरीवाल को मिलने जा रही है। यानी बेहद कम वक्त में न केवल खुद को साबित करना बल्कि जनमानस की धारणा को एकदम से पलट देना यकीनन एक बड़ी बात है, जो शायद जेपी संपूर्ण क्रांति की अपनी मुहिम में भी नहीं कर पाए थे। क्योंकि संपूर्ण क्रांति के नतीजे के तौर पर जो राजनीतिक विकल्प सामने आया था वो बेहद कमजोर था। जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की, नेतृत्व था मोरारजी देसाई का और कार्यकाल रहा महज 2 साल से कुछ ज्यादा, लेकिन मौजूदा दौर में आंदोलन से निकला राजनीतिक विकल्प बेहद ताकतवर है। बदलाव ही लोकतंत्र की आत्मा है, जबकि सत्ता पक्ष के सामने मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त। 9 महीने पहले देश की सत्ता में जो विकल्प सामने आया था उसके सामने भी विपक्ष कमजोर था, और अब दिल्ली में भी विकल्प जो सामने आया है उसके सामने भी विपक्ष कमजोर है, लेकिन ये बदलाव बेहद अहम है। इन नतीजों ने ये बताया है कि आंदोलन करना और विकल्प खड़ा करना भर जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है आंदोलन को जीना। जेपी के दौर के नेता इसमें कामयाब नहीं हुए थे, मगर केजरीवाल इसमें कामयाब दिख रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर, इसी आंदोलन के पूरे चक्रव्यूह को समझने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। लखनऊ से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक
के विक्रम राव साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। विक्रम राव साहब, मेरा पहला सवाल आपसे कि जो जेपी का आंदोलन हुआ उसमें केंद्र की सत्ता उनके हाथ में गई। जो ये आंदोलन हुआ, अन्ना से शुरू करें और अरविंद केजरीवाल तक चले आए, तो इसमें दिल्ली में सत्ता मिली है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब हम तुलना करेंगे, क्योंकि और राज्यों के पास भी हम चलेंगे, उनके भी आंकड़े देखेंगे, जब हम आंदोलनों की तुलनात्मक समीक्षा करेंगे तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा और क्या एक आंदोलन दूसरे आंदोलन से बड़ा होता है, या फिर हम ये समझ लें कि जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आई हैं उसमें आज जो लकीर खींची है दिल्ली की जनता ने वो वाकई पुरानी लकीरों से कहीं ज्यादा बड़ी और व्यापक है। ओहो राव साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर आऊंगा आपके पास। हम इसी सवाल को ले लेते हैं ज्ञानेंद्र जी से। ज्ञानेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि इसी सवाल पर आप रिस्पॉन्ड करें। आवाज नहीं आ रही तक। ज्ञानेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए जी। मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो आंदोलन खड़ा किया अन्ना हजारे के साथ, और उसके बाद जिस तरीके की आज उनको जीत मिली है, हम समय समय पर हुए पुराने आंदोलन और खास तौर से क्या जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन ये बन गया और उसका व्यापक असर दिखा है? एकदम बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन है। एक समानता जरूर है, 1977 में जेपी आंदोलन के समय जब चुनाव हुए थे तो उस समय जनता आगे थी और जनता पार्टी पीछे पीछे चल रही थी। ठीक यही अब हुआ जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता आगे थी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पीछे पीछे चल रही थी। इसीलिए आप देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में जो पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था कि हम 55 सीटें जीतेंगे, लेकिन 73 जीत गए। यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के लोग ये कहते थे, योगेंद्र यादव जी जो उनके चुनाव विश्लेषक हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा था हम 50 सीटें कम से कम जीतेंगे, लेकिन 67 सीटें जीते हैं। तो ये खुद जीतने वालों को पता नहीं था कि जनता उनकी झोली कितनी भर के रखेगी। ये बात भी बिल्कुल दोनों समानताएं। एक और आपकी ध्यान खींचना चाहूंगा दर्शकों का कि 1977 में जो बहुमत, प्रचंड बहुमत जनता पार्टी को दिया था, जनता पार्टी के नेता उसको संभाल के नहीं रख पाए थे और तितर बितर हो गए और अल्टीमेटली फिर इंदिरा गांधी की वापसी हुई। अब केजरीवाल सरकार के पीछे पीछे उनका बहुमत चलेगा, उन्हें एक ऐसी सरकार उनकी आएगी जिसे खुद अपने बहुमत से डर होगा, यह बहुमत डंडा लेके उनके पीछे पीछे चलेगा और उनसे कहेगा अब काम करके दिखाइए, बहुत भाषण हो गए, अब आप बताइए कि ये 67 सीटों को आप किस तिजोरी में रखेंगे और उस तिजोरी से जनता को क्या मिलेगा। देखिए, ये उल्लेखनीय बात इसलिए भी है जो मैं पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये इतनी प्रचंड हार है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और अगर नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव का श्रेय मिलना चाहिए था तो दिल्ली की हार का, दिल्ली की पराजय का ठीकरा उनके सिर क्यों नहीं फूटना चाहिए? आप देखिए, पिछले साल जो चुनाव हुआ था इसी दिल्ली विधानसभा में 70 में से 60 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी, यानी अगर विधानसभा के भी चुनाव लोकसभा के साथ हुए होते तो 60 सीटें बीजेपी को मिलती, अब मिली हैं 3, यानी 57 सीटें 9 महीने में भाजपा ने खो दी है। ये क्या रेफरेंडम नहीं था दिल्ली की सरकार का? ये केंद्रीय सरकार के खिलाफ रेफरेंडम नहीं है? इसी तरह से
आप अब उस समय जब कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में हारी और 543 में से उसे सिर्फ 44 सीटें मिली, तो भाजपा के नेता व्यंग में कहते थे कि कांग्रेस के सारे सांसद एक वोल्वो बस में बैठ के संसद जा सकते हैं। और अब यही उनके उनको जवाब दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा विधायक दल एक ऑटो में बैठ के विधानसभा, बिल्कुल तीन लोगों की परमिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में तीन सवारी बिठा सकता है ऑटो पिछली वाली सीट पे। मैं आता हूं आपके पास, अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, राव साहब के पास चलते हैं। मैं आऊंगा ज्ञानेन्द्र जी आपके पास। राव साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जेपी आंदोलन हुआ उसमें देश की सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी, और दिल्ली को भी हम एक मिनी इंडिया ही कहते हैं, पूरे देश से यहां पर लोग आते हैं और अपना रोजगार वगैरह अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करते हैं, उस लिहाज से क्या ये अन्ना के आंदोलन से शुरू हुआ अरविंद केजरीवाल का सफर जेपी के आंदोलन से बड़ी लकीर खींचने में कामयाब रहा है? शेखर, एक पत्रकार के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि किसी व्यक्ति बहाव में हम लोग बह जाए। जेपी आंदोलन की तुलना दिल्ली के चुनाव से या आम आदमी पार्टी के आंदोलन से नहीं की जा सकती। ठीक, ये एक सीमित 7 लोकसभा सीटों तक एक शहर में सीमित है, और रामलीला मैदान से अन्ना के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला था और उसी का नतीजा ही है। लेकिन ये एक वक्ती दौर है, एक सीमा है। जेपी आंदोलन एक ऐतिहासिक क्रांति थी, एक बगावत थी। मेरे ख्याल से गांधी जी के आंदोलन के बाद इस देश में परिवर्तन के लिए जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, वो कई राज्यों में 300 सीटें में लोकसभा की 300 क्षेत्र में थी वो, तो ये कोई तुक नहीं है तो तुलना करना। हाँ, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हुई है। 1952 से आज तक दिल्ली में कभी भी किसी भी पार्टी को इतनी संख्या में सीट नहीं मिली, इतना ज्यादातर नहीं मिला। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं है, ना केजरीवाल कोई जयप्रकाश नारायण है। ये तो बुनियादी फर्क में समझना पड़ेगा। आप तुलना करें कि आज के इस चुनावी परिणाम के क्या असर पड़ेगा भारत पे, खासकर दिल्ली में। पहली बात तो नरेंद्र मोदी को उनके उनके नेतृत्व पर एक सवालिया निशान लग जाता है। नरेंद्र मोदी जो एक तूफान की दौर चल रहे थे, चारों दिशाओं में जीत गए थे, लद्दाख में हो, अरुणाचल में हो, कन्याकुमारी हो, सब जगह जीते थे, आज वो हृदय में हार गए हैं, ये कहा जा सकता है। एक कार्डियक अरेस्ट जैसा हो गया है राजनीतिक भाषा में नरेंद्र मोदी का दिल्ली के चुनाव से, ये कहा जा सकता है। लेकिन दिल्ली के साथ न रहने से नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कैसे होगी, ये भी, क्योंकि काफी देश घूम चुके हैं, काफी देश घूमने जा रहे हैं, ये चीन जा रहे हैं मई में। अब लोग क्या कहेंगे दुनिया भर में, तो जब दिल्ली चर्चा होगी कि जो प्रधानमंत्री देश जीता है, राष्ट्रीय राजधानी हार गया है, वो कितना डिवैल्यूड, कितना अवमूल्यन हो गया होगा, इस पर भी विदेशी नेता गौर करेंगे। ये भी एक हानि हुई है नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्रतिष्ठा को। तो इस लिहाज से इस कसौटी पे हम लोग गौर करें शेखर, तो बात बनती है। लेकिन दोनों आंदोलन को जोड़ना मेरे ख्याल से ये तारतम्य नहीं है, सिलसिला नहीं है, और न तुक है न तार्किकता होगी शेखर। बिल्कुल, और जिस तरीके से राव साहब ने अपनी बात रखी कि दो चीजों की तुलना आप करें तो थोड़ा सा एक अन्याय हो सकता है, और इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके देखें तो जिस तरीके से पिछली 14 फरवरी 2013 को लोकसभा चुनाव में कूदी थी आम आदमी पार्टी, और उसके बाद देश भर में 400 सीटों पर उसके कैंडिडेट लड़े और वहां पर जो गत बनी, क्योंकि देश के चुनाव से देश के चुनाव की तुलना हो जाए तो शायद उसका अनुमान या उसके नतीजे बेहतर तरीके से लगाए जा सकते। हर आंदोलन अपनी तरह की एक प्रयोग धर्मिता रखता है, और उस प्रयोग में कई बार चीजें सफल होती हैं, कई बार वो प्रयोग बेकार हो जाते हैं। जब प्रयोग बेकार हो जाते हैं, यानी जो चीज आपको चाहिए अगर वो नहीं मिलती है, तो भी कम से कम एक तरीका आपको ये जरूर पता होता है कि उस चीज की प्राप्ति फलाने प्रयोग के जरिए नहीं हो सकती। यहां बात सत्ता की प्रयोग धर्मिता की है आंदोलन के जरिए। हमारे साथ लखनऊ से राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेन्द्र शर्मा जी हैं। ज्ञानेन्द्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा
कि हर आंदोलन एक तरीके का प्रयोग होता है सत्ता तक पहुंचने के लिए। हमने असम में देखा, वहां पर सत्ता आई हाथ में, लेकिन उसके बाद वो सत्ता जैसे आई थी वैसे ही चली गई। इसी आम आदमी पार्टी की सत्ता पिछली बार आई और जैसे आई वैसे ही चली गई, आंदोलन के ही जरिए। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे संपादक वासिंद्र जी का भी एक बड़ा जबरदस्त विश्लेषण यह था कि जिन राज्यों ने परफॉर्म किया है उन राज्यों का नुकसान कम हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी यह बात सामने दिख रही थी। उसी तरीके से क्या यह जनता की प्रयोग धर्मिता थी कि एक आंदोलन कम से कम वेस्ट ना हो, एक आदमी को अगर समय नहीं मिला तो उसको दोबारा देखना जरूर चाहिए। एकदम देखिए, ये बात जो अभी राव साहब कह रहे हैं कि ये उससे जेपी आंदोलन से तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ये बात तो खुद नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की एक सभा में कही कि देश क्या सोचता है इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। तो दोनों के बीच में समानता उन्होंने ही स्थापित की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो प्रयोग की बात आप कर रहे हैं, 49 दिनों की सरकार बनाई, बार बार उसका पश्चाताप इस बात पर अरविंद केजरीवाल ने किया कि मैंने इस्तीफा दिया। लोग एक बात को सीधे सीधे से आपको समझना चाहिए कि ये अगर जो क्रांति हुई है, ये एक तरफा वोट पड़ा है, इसकी वजह क्या थी? इसकी सीधी सी वजह दो है। एक तो रेफरेंडम था ये केंद्रीय सरकार के खिलाफ, दूसरा ये था कि बीजेपी को अपने इसमें ओवर कॉन्फिडेंस, ये किसी को किरण बेदी को खड़ा कर दें, सारे वर्कर्स की उपेक्षा कर दें, अपना जो इनका आरएसएस कैडर है उनकी ना सुने, तो ये समझते थे कि अमित शाह से बड़ा कोई स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। तो वो एक उनको आईना दिखाई दे गया। दूसरी बात ये देखने की बात है, देखिए ये आप पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये कहा गया बड़ी भारी क्रांति हुई है, नरेंद्र मोदी जीते और कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 543 में से 44, उनका प्रतिशत था 8। 8% सीटें कांग्रेस ने जीती थी। और अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी 4% थी। नहीं, तो उस लिहाज से ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया, उस लिहाज से बीजेपी का वोट परसेंट सिर्फ एक कम हुआ है, 32.2% पे वो अभी भी खड़ी है। आम आदमी पार्टी 54% तक चली गई है और उसकी सीटों में इतना बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और ज्यादा डाउन हुई है, 8-9% के पास उसे वोट आया, बीजेपी का वोट परसेंटेज इंटैक्ट है। फिर भी नहीं, बीजेपी का देखिए परसेंटेज से आप अगर चलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि परसेंटेज और सीट्स में कोई तालमेल नहीं होता। आप ये ध्यान में रखिए कि 50% से ज्यादा वोट पाना कोई आसान काम नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। और भारतीय लोकतंत्र में क्यों, तमाम यूरोप में, तमाम देशों में अभी चुनाव हुए और 50% से ज्यादा वोट लेना एक बहुत बड़ा सपना होता है। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आखिरी सवाल आपके विक्रम राव साहब से ले लेता हूं। राव साहब, मैं एक चीज ये आपसे जानना चाहूंगा कि कहा यह जाता है, पढ़ा भी है मैंने, कि असली आंदोलनकारी वो है जो सत्ता हासिल करने के बाद खुद अपनी ही कुर्सी पलट दे। एक बार तो हमने ये देख लिया, अब क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक आंदोलनकारी हैं या वो अब मंझे हुए राजनेता बन चुके हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? शेखर, जो आप कह रहे हैं यही सबसे बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल के सामने कि वो रचना की बात करेंगे या केवल संघर्ष की बात करेंगे। तो संघर्ष के बाद रचना होती है तो जन अपेक्षा होती है कि हाँ कोई अच्छा काम होगा, कोई निर्माण का काम होगा, हमेशा विध्वंस नहीं होगा। अगर अरविंद केजरीवाल ये काम नहीं करते हैं, अपनी 70 बातों को पूरा नहीं करते हैं, वादा फरामोशी करते हैं, वो भी वही गत होगी जो इतिहास में और लोगों की गत हुई है। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, अरविंद केजरीवाल के इस आंदोलन के साथ कुछ और भी बातें हुई शेखर। एक वितृष्णा हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रधानमंत्री से, खासकर की चुप्पी से, गोडसे के मंत्री बनाने की बात हुई, शुद्धिकरण के नाम पे आर्य समाज किया था उसके विकृत रूप से घर वापसी की बात की, ऐसे ऐसे मसले उठाए गए हैं। इससे दिल्ली के आम जनता के मन में एक वितृष्णा पैदा हुई, गुस्सा भी आ गया कि प्रधानमंत्री चुप है, ऐसी गंदी बातों के खिलाफ आवाज ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो यानी बोलना चाहिए था, उतनी मुखरता से चीजों को सामने नहीं रखा गया। राव साहब, मैं आपकी बात रोक रहा हूं, मेरे पास आज वक्त इतना ही है। ज्ञानेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इतने ही वक्त में अपनी बात को रखने के लिए। और जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं उसमें कोई दो राय नहीं है
कि हर आंदोलन अपने वक्त में वो सबसे बड़ा होता है, उसके नतीजे भी सबसे बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। आज दिल्ली में भी यही हुआ, लेकिन बीजेपी का जो हुआ उसके लिए चलते चलते कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आंख का पानी जरूर बचाना पड़ेगा बीजेपी को। नमस्कार।